अपनी कमियों को ढकने के लिए चुनाव चिन्ह और विचारों को भी चुरा लिया। फिर भी जो बदलाव हुए हैं उसमें पार्टी का घमंड ही दिखता है, ये भी दिखता है कि 2014 से वो किस तरह डिनायल के मोड में है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की पहचान से जुड़ी कोई चीज उनकी अपनी नहीं है, कोई चीज उनकी अपनी नहीं है। चुनाव चिन्ह से लेकर विचारों तक सब कुछ कांग्रेस अपना होने का दावा करती है, वो किसी और से लिया हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्लीज माननीय सदस्य प्लीज सीट पे जाइए। अपनी कमियों को ढकने के लिए चुनाव चिन्ह और विचारों को भी चुरा लिया। फिर भी जो बदलाव हुए हैं उसमें पार्टी का घमंड ही दिखता है, ये भी दिखता है कि 2014 से वो किस तरह डिनायल के मोड में है। पार्टी के संस्थापक कौन? एओ ह्यूम एक विदेशी थे जिन्होंने पार्टी बनाई। आप जानते हैं 1920 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा मिली, 1920 में एक नया ध्वज मिला और देश ने उस ध्वज को अपना लिया, तो रातों रात कांग्रेस ने उस ध्वज की ताकत देख करके उसे भी छीन लिया और प्रतीक को देखा कि ये गाड़ी चलाने के लिए ठीक रहेगा। 1920 से खेल चल रहा है और उनको लगा कि तिरंगा झंडा देखेंगे तो लोग देखेंगे उनकी बात हो रही है, ये उन्होंने खेल किया। वोटरों को बुलाने के लिए गांधी नाम भी हर बार वो भी चुरा लिया। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह देखिए, दो बैल, गाय बछड़ा और फिर हाथ का पंजा, ये सारे उनके कारनामे, उनके हर प्रकार की मनोवृत्ति का प्रतिबिंब करता है, उसको प्रकट करते हैं और ये साफ दिखाता है कि सब कुछ एक परिवार के हाथों में सब केंद्रित हो चुका है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक गमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, गमंडिया गठबंधन है।